राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख मौजूद थे। इस दौरान भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियार, प्रणालियों और प्लेटफार्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। युद्धाभ्यास देखने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। एशिया के सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में थल, जल और वायु सेना ने युद्धाभ्यास किया। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्म गौरव का गवाह बना है। ये पोखरण ही भारत की परमाणु शक्ति का गवाह रहा है और आज यहाँ हम स्वदेशीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से इसकी ताकत भी देख रहे हैं। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत आज, पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है।